माननीय रामबदन राय जी, प्रोफेसर रामबदन राय जी आपके बीच पधार चुके हैं। शेखपुरा की धरती पे उनका हार्दिक अभिनंदन है। शेखपुरा की धरती हमने मुख्यमंत्री आपका बनाया था, पूरे बिहार घूमते हो कि हम कानून कहार बला बिन धानुक का मंत्री और विधायक भी आपके साथ दिखाई नहीं पड़ता है, आप साजिश किए हैं। कानून के तमन उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आप लोगों से निवेदन है, जैसे गेट के अंदर घुसे आप लोग जोरदार यहाँ सैकड़ों गांव है, सब लोग अपने अपने गांव में रहते हैं, अपने अपने काम में रहते हैं, लेकिन इस आयोजन के जो आयोजक करता है उस सभी को 100 गांव का आदमी को एक जगह बैठा दिया, यानी 100 गांव के लोग एक जगह बैठा हुआ है, एक समाज के लोग एक जगह बैठा हुआ। ये अवसर बहुत कम मिलता है जो समाज के सैकड़ों गांव के लोग एक जगह आके बैठा हुआ है। हम इस आयोजन में श्याम सुंदर कुमार शिक्षक जी, दीपक कुमार जी, भोला महतो जी, अवध प्रसाद जी, शशिकांत कुमार जी, अनिल कुमार जी, गरीब प्रसाद जी, रत्नाकर प्रसाद जी, प्रमोद कुमार जी, पप्पू कुमार जी, दिलीप कुमार जी, कारू मंडल जी, मनोज कुमार जी, जितेंद्र महतो जी, और अभी बहुत गुस्सा में बोल रहे थे विनय जी, उनको अलग से धन्यवाद। उनका सम्मान है मेरे नज़र में, जब भी आते हैं तब पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं। मंच पर इस जिला के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष नरेश बाबू, मंच पर बैठे हुए लखीसराय जिला के सुजगरहा के रहने वाले जनार्दन महतो एडवोकेट जी, नालंदा से आए हुए हमारे मित्र और इस अभियान के बिहार के बड़े हैं। आज शेखपुरा के लोग पूरा स्वतंत्र हवा में जी रहा है, स्वतंत्र काम कर रहा है, जहां मन होता है वहां वोट देता है। उस समय दहशत था, उस समय लोग गरीबों को दबाए हुए थे, गरीबों को चापे हुए थे। इस दो जगह ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया था, बेगूसराय के इलाके में कुछ जगह बना था। उस समय चूँकि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए मेरी ज़्यादा रुचि शेखपुरा लखीसराय के इलाके में हुआ था, लेकिन आसान नहीं था क्योंकि यहाँ राजनीति में बरसों से किसी और लोगों का कब्जा रहा था। प्रस्ताव हमने लालू प्रसाद जी को दिया, सर टाल का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत गरीब है, वहाँ के लोगों को ब्लॉक आने में भी सुबह चलता है पैदल तो 3 बजे शाम में पहुँचता है, शेखपुरा आने का कोई रास्ता नहीं, लखीसराय जाने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसके विकास के लिए घाट कुसुमा को ब्लॉक बना दी। घाट कुसुमा ब्लॉक का सब कुछ हो गया। उसके बाद राजो बाबू का प्रस्ताव आ गया, स्वर्गीय राजो बाबू, उनका भी योगदान शेखपुरा के जिला में बहुत है। हम धानुका के बीच ब्लॉक बनाना चाहते थे, राजो बाबू जिस समाज से आते थे
मेहूस को ब्लॉक बनाना चाहते थे। मेहूस हो के घाट को संभा हो, हमारे और उनके बीच में बहुत कड़ा संघर्ष चला। हम माननीय लालू यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उस समय राम मदन राय ने कहा कि घाट कुसुमा में बने तो लालू यादव घाट कुसुमा में ब्लॉक बना देने का काम किया। उस घाट कुसुमा में चारों तरफ से सड़क, रोड, बिजली और टाल का विकास हो रहा। आज हमको अपार खुशी हो रहा है, अपार खुशी। जब विश्वतरी के उपाध्यक्ष से राज्य मंत्री थे तो इनका लड़ाई लालू यादव जी से हो गया, नीतीश कुमार जी को सारा लोग छोड़ दिया, बिहार में कोई साथ नहीं दिया, घर पर अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा राम बदलाती पिछड़ों का धानु का, हम काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, तू क्या करेगा, साथ देगा कि नहीं देगा। लालू यादव से मेरा अच्छा संबंध, लेकिन लालू जी जिस लालू यादव को हम कहते थे कि यहां ब्लॉक बनेगा तो लालू यादव वही बना देता, उस लालू यादव को छोड़ के हमने विश्वतरी उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री से इस्तीफा कर दिए थे। नीतीश जी आप याद करें, सबसे पहले हमने त्याग किया आपको बनाने के लिए, और फिर भी बिहार के कोने कोने घूम के हम अपने समाज को, धान समाज को समता पार्टी से जोड़ने के अभियान में लग गए। लालू यादव जी जब शेखपुरा आते थे, बेगूसराय जाते थे, तो लालू यादव के हेलीकॉप्टर से राम मदन राय उतरता था। नीतीश जी आज हेलीकॉप्टर को हम तो छू भी नहीं पाते हैं, जो पूरे टाल से, लखीसराय से, शेखपुरा से राम मदन राय को काट के रखो, क्योंकि राम मदन राय आवेगा तो धानु के बात करेगा, हक के बात करेगा। इसलिए नीतीश जी आप हमको अलग रखें लोगों से, आप हमारे हक को मुंगेर और बेगूसराय दोनों से बेदखल कर दिया, ये आपका असली चेहरा है। देश के राष्ट्रीय जात है, कोई माइकल लाल इसको उपजाति नहीं बना सकता। हम धानुक माँ का दूध पिए हैं, इसलिए धानुकों के लिए युद्ध करेंगे, नतीजा जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन हक की लड़ाई चलता रहेगा।